पिछले 2-3 महीनों से यहाँ पे बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर्स आए और आपकी ही चैनल के माध्यम से हम सुनते थे कि आप जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली मिलेगी। और आज हाल ये है कि अभी तो सर्दियाँ शुरू ही हुई, हमें यहाँ पे 2 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। जहाँ तक सवाल है आज के इस एहजाज का, ये एहजाज सिर्फ बिजली के ख़िलाफ़ ही नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, अगर आप देखोगे जो वादा किया गया था कि 5 अगस्त के बाद यहाँ तरक्की आएगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनेंगे, अगर आप देखेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोजेक्ट्स थे उनका काम पिछले 2 साल से रुका हुआ है, कहीं नामो निशान नहीं है काम का। सिर्फ जो मंत्री लाए गए, जो काम हुए थे उन पर इनाग्रेशन हुई, दोबारा इनाग्रेशन की गई, जिन पे पत्थर लगे थे दोबारा लगाए गए। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो LG साहब को ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ यहाँ पे प्रोटेक्शन बॉन्ड और लेबोरेटरी ब्लॉकों को देखने के लिए जाते हैं और सोशल मीडिया और आपकी चैनलों के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 5 अगस्त के बाद जिस तरह से यहाँ के लोगों को दबाया गया तरक्की के नाम पे या बाकी इन चीज़ों के नाम पे, आज हम अब दबने वाले नहीं है। आज जो हमारी ये शुरुआत है, हम ये पहुँचाना चाहते हैं गवर्नमेंट तक, हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए, उसके लिए हम सड़कों पे आएंगे और ये पैगाम हम आपके माध्यम से गवर्नर साहब तक पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ खासकर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, चाहे पंचायत इलेक्शन हो, BDC का इलेक्शन हो, DDC का इलेक्शन हो, यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन बदले में आज हमें क्या मिल रहा है? अंधेरा। 5 अगस्त के बाद जो अंधेरा जम्मू कश्मीर में इन्होंने मचाया है, उसके लिए आज हम ये आज शुरुआत की है हमने, हम ये बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आज एक एहतजाज किया कि हमें बिजली दे दो, हमारा हक बनता है, यहाँ के शहरियों का हक बनता है, उनको ये हक दे दो, नहीं दोगे तो हमें पता है कि ये जो एहतजाज हमने एक सिंबॉलिक एहतजाज किया, इसको हम एक आगे ले जाएंगे, रोड्स पर आएंगे, लोग लेकर हम लोग रोड्स पर आएंगे अगर ये इम्प्रूव नहीं करते। फीस जहाँ ज़्यादा बकाया है, जिन बड़े लोगों के असर रसूख वाले लोगों के पास फीस ज़्यादा बकाया है, या जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिन डिपार्टमेंट्स के खिलाफ जिनके पास फीस ज़्यादा, उनसे रिकवर कर लीजिए। बाकी जो नए इकदाम आप कहना चाहते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम इंशाल्लाह इसमें एक वाजिया लाए अमल बनाएंगे और गरीब लोगों के लिए हम खुसूसी पैकेज रखेंगे।